हेलो गाइस नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्लासिक साइंस चैप्टर फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ फूड फूड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं हम फूड क्यों खाते हैं फूड से हमें क्या मिलता है आज हम यही सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फूड हमें मिलता कहाँ से वाट आर सोर्स ऑफ फूड कहाँ कहाँ से आता है फूड द सोर्सेस ऑफ फूड्स आर टू टाइप्स प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स मीन्स हमें हमारा जो फूड है वो प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है जैसे हमें प्लांट से क्या क्या मिलता है फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड डिफरेंट सीरियल्स ग्रेन्स जितने भी अनाज होते हैं दालें होती हैं राइस होते हैं वो सब हमें प्लांट से ही मिलते हैं एंड एनिमल्स से क्या क्या मिलता है तो एनिमल्स से हमें सबसे पहले तो मिल्क मिलता है जो हम डेली पीते हैं एग मिलता है फ्रेस मीट और मिल्क से बनने वाले सारे प्रोडक्ट घी बटर दही ये सब मिल्क से बनता है यानी ये सब एनिमल्स प्रोडक्ट में आएंगे तो ये तो हमारे हुए सोर्स ऑफ फ़ूड लेकिन अब हम टॉपिक पर आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड मीन्स हम फूड खाते हैं क्योंकि फूड में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं तो वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जिसके लिए हम फूड खाते हैं तो वो कंपोनेंट्स हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मिनरल विटामिन रफेज फाइबर ये सभी कंपोनेंट्स हमारे फूड आइटम में होते हैं चलिए तो अब हम सबसे पहले एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर फर्स्ट नाउ फॉर फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अवर फूड मीस हमारे फूड में कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स होते हैं तो जैसा कि अभी हमने पहले ही आपको बताया कंपोनेंट्स ऑफ फूड द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट विटाम्स मिनरल्स वाटर रफेज एंड डाइट्री फाइबर ये सभी हमारे फूड में होने वाले मेजर कंपोनेंट्स हैं नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द फॉलोइंग्स यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जिनको रीड करके आपको उसका नेम राइट करना है तो देखते हैं फर्स्ट द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू अवर बॉडी मीन्स आपको उस न्यूट्रिएंट्स का नेम राइट करना है जो हमारी बॉडी में एनर्जी देता है तो वो हमारा न्यूट्रिएंट्स है कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट इज द न्यूट्रिएंट्स विच गिव एनर्जी टू अवर बॉडी उसको हम एनर्जी के लिए लेते हैं कार्बोहाइड्रेट जैसे आपने सुना होगा बनाना में इंस्टेंट एनर्जी मिलती है बनाना खाने से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है तो बनाना में कार्बोहाइड्रेट होता है और उसको हम वन या टू बनाना खा लेते हैं तो हमें हमारी बॉडी के लिए पर्याप्त एनर्जी मिल जाती है नाउ अवर सेकेंड सेंटेंस द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड टू ग्रोथ एंड मेंटेनेंस फॉर अवर बॉडी यानी हमारी बॉडी में ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट इसेंशियल होता है सो आंसर इज प्रोटीन हमारी बॉडी में ग्रोथ किससे होती है प्रोटीन से मीन्स हमें जो दाल होती है सीरियल्स उसको डेली खाना चाहिए वो ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए मेंटेनेंस जैसे हमें हमारी बॉडी में कभी चोट लग जाती है या कोई पार्ट हमारा डैमेज हो जाता है तो उसके मेंटेनेंस के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है नाओबर थर्ड सेंटेंस आ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट आईसाइट मींस देखना दृष्टि स हमारी आईसाइट के लिए मेन विटामिन होता है कौन सा विटामिन होता है आप लोगों ने भी विटामिन का नाम सुना होगा ये विटामिन है विटामिन ए विटामिन ए हमारी आईसाइट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड टू कीपिंग अवर बोन हेल्दी मीस हमारी बोन को हेल्दी कर रखने के लिए कौन सा मिनरल की आवश्यकता होती है तो इसका आंसर है कैल्शियम आप लोगों ने सुना होगा जब कभी हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं मीन्स हमारे हमें दर्द होने लगता है चलने फिरने में थोड़ा सा चलने में भी दर्द होता है तो हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी रहती है इसीलिए हमें दर्द होता है और इसके लिए आप लोगों ने सुना होगा कि कैल्शियम हमें खाना चाहिए तो ये थे आपके नेम द फॉलोइंग नाउ अबर थर्ड क्वेश्चन इज नेम टू फूड्स दैट रिच इन अब थर्ड नंबर क्वेश्चन में कुछ कंपोनेंट्स के नेम दिए हैं इन कंपोनेंट्स के आगे, आगे आपको टू टू फूड आइटम्स के नेम राइट करना है तो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है फैट अब आपको बताना है कि फैट में किन किन टू फाइ फूड आइटम्स में फैट होता है आपने सुना होगा कि घी बटर ऑयल ये चीज़ें हम अगर ज़्यादा खा लेते हैं तो फैटी हो जाते हैं यानी हमारी बॉडी में फैट आ जाता है तो इसमें आप राइट कर सकते हैं घी एंड बटर एंड नेक्स्ट सेकेंड नंबर स्टार्च किन फूड आइटम में स्टार्च होता है रॉ पोटैटो एंड राइस ये दोनों फूड आइटम रॉ पोटैटो मीन्स कच्चा पोटैटो इसमें और राइस में दोनों में स्टार्च होता है इसको आपने देखा होगा स्टार्च टेस्ट जब मैंने किया था नाउ थर्ड डाइट्री फाइबर डाइट्री फाइबर इज ऑल्सो मस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी तो आप बताइए किन फूड आइटम में डाइट्री फाइबर होता है डाइट्री फाइबर ऑल ग्रीन वेजिटेबल्स में होता है तो इसमें आप लिख सकते हैं कैरेट स्पिनच लेडी फिंगर एनी टू फूड आइटम्स नाउ नेक्स्ट फोर्थ नंबर प्रोटीन किन फूड आइटम में प्रोटीन होता है तो प्रोटीन के लिए एक हमने आपको बताया पल्स पल्स मींस दाल दाल हमें डेली खाना चाहिए प्रोटीन की कमी को दूर करता है मिल्क एग फिश मीट इन सभी फूड आइटम में प्रोटीन होता है नाउ ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन टेक द फॉलोइंग टू फॉल्स इसमें आपको राइट right आंसर को टेक करना है सो अवर फर्स्ट सेंटेंस बाई ईटिंग राइस एलोन वी कैन फुलफिल अवर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर अवर बॉडी मींस ओनली राइस खाने से क्या हम अपनी बॉडी में फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं नो no. इसका आंसर है नो no. ओके okay? क्योंकि हमें बैलेंस डाइट करनी चाहिए यानी हमें जिसमें हमारी बॉडी को सारे फूड आइटम्स सारे कंपोनेंट्स मिल जाएं वो सारे कंपोनेंट्स हमें खाना है ओनली राइस खाने से हमारी बॉडी को और न्यूट्रिशनल सपोर्ट नहीं मिलेगा ओके नाउ अवर सेकेंड डिफिशियंसी डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग बैलेंस डाइट बैलेंस डाइट हमें ये हमने आपको बताया था कि बैलेंस डाइट लेना चाहिए ओके बैलेंस डाइट लेने से डिफिशियंसी डिसीज नहीं होगी डिफिशियंसी डिसीज को प्रिवेंट कर सकते हैं तो ये राइट है ओके इट इज right. राइट नाउ सेकेंड नाउ थर्ड बैलेंस डाइट ऑफ अवर बॉडी शुड कंटेन वेराइटी ऑफ फूड आइटम मींस बैलेंस डाइट में वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स होते हैं इट इज राइट और रॉन्ग इट इज राइट ओके बैलेंस डाइट में हमें बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं तभी हमें बैलेंस डाइट मिल पाती है मीट एलोन इज सफिशंट टू प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिय टू अवर बॉडी मीन्स अकेला मीट खाने से हमारी बॉडी को सभी न्यूट्रिय मिल जाएंगे क्या नो इट इज ऑल्सो रॉन्ग नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव फिलिंदा ब्लैंक्स इस क्वेश्चन में फिलिंदा ब्लैक्स है जो आपको रीड करके बताना है क्योंकि चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं इसलिए आपको आंसर अपने से ही देना है सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इट्स कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी मीन्स विटामिन डी की कमी से क्या होता है कौन सी डिसीज होती है रिकेट्स रिकेट्स इज द राइट आंसर विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है जिसमें हमारी बोन्स वीक हो जाती है और बेंट हो जाती है ओके डिफिशियंसी ऑफ कॉजिज द डिसीज नॉन एज बेरी बेरी मीन्स किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी डिसीज होती है सो राइट आंसर इज बी वन बीवन विटामिन की कमी से बेरी वेरी डिसीज होती है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजि द डिस विटामिन सी की कमी से कौन सी डिसीज होती है स्कर्वी ओके स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है इसमें हमारे गम्स में ब्लीडिंग होने लगती है मसूड़ों से खून आने लगता है नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ टू अवर बॉडी मीन्स नाइट दिखाई देना बंद हो जाता है तो किस विटामिन की कमी से होता है सो राइट आंसर विटामिन ए विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है तो ये थे आपके फिल इन द ब्लैंक्स और ये आपका फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज कंप्लीटेड सो Uh, learn and write in your notebook that's all student thank you